सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आसबी का हमारे आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में वापस स्वागत है। तो दोस्तों, आप में बहुत सारे क्लास 10 स्टूडेंट में से क्वेश्चन था कि सर कल हमारा मैथ का बोर्ड एग्जाम है, तो सर अगर हम मैथ के अंदर अगर फॉर्मूला लिख कर आते हैं सिर्फ अपने आंसर के अंदर, तो सर क्या उसके मार्क्स मिलेंगे? और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सर मेरी मैथ की प्रिपरेशन बिल्कुल सही से नहीं हुई, मैं मैथ में थोड़ा वीक हूँ, सर कोई टिप दो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दो। तो आप में बहुत सारे स्टूडेंट ने मैथ के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट पूछे थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट है मैथ के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो सारे डाउट भी क्लियर कर दूँ और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा जिससे आप मैथ के बोर्ड एग्जाम के अंदर थोड़ी बहुत स्टडी करके अच्छा स्कोर कर पाओ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक बता दूं कि मैथ के अंदर स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग मतलब जितना आपने सही लिखा है उसी के बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। मतलब कि अगर आप फॉर्मूला लिख कर आते हो तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि आंसर के अंदर फॉर्मूले की क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल कि दोस्तों, अगर कोई दो मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अंदर आप फॉर्मूला लिख कर आए तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। अगर कोई थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अंदर आप फॉर्मूला लिख कर आ रहे हो तो आपको वन मार्क्स भी मिल सकते हैं और हाफ मार्क्स भी मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है। अगर कोई एग्जामिनर होगा जो आपको वन मार्क्स देना चाहेगा वो वन मार्क्स भी दे सकता है और वो हाफ मार्क्स भी दे सकता है। वो टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। अगर कोई फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आप फॉर्मूला लिख कर आ तो आपको वन मार्क्स या वन एंड हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है उसमें मेन चीज़ फॉर्मूले है, आप फॉर्मूला लिख कर आ रहे तो फाइव में से आपको टू मार्क्स भी मिल सकते हैं। पूरा डिपेंड है फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस के ऊपर। अगर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, अगर कम इंपॉर्टेंट तो आपको हाफ वन मार्क्स मिल जाते हैं। कई जगह इंपॉर्टेंस फॉर्मूले को दी जाती है, कई जगह एग्जामिनर के मूड पे होता है। तो अगर आप फॉर्मूला लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स मिलेगी, ये बात कंफर्म है कि अगर आप फॉर्मूला लिख कर आओगे आपको मार्क्स मिलेगी। वो हाफ भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं। इसलिए आपको कोई क्वेश्चन आए चाहे उसके अंदर स्टेप करके आओ, फॉर्मूला लिख कर आओ जिससे आपको जहाँ पर मार्क्स नहीं मिलने वाले वहाँ पर मार्क्स भी मिल जाए। तो दोस्तों, ये तो बात होगी कि फॉर्मूले के मार्क्स होते नहीं होते। अब दोस्तों, आप में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं हुई और कल बोर्ड एग्जाम है मैथ का, तो अब उन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? गाइज देखो, अब बहुत कम टाइम बचा है, आपने अभी तक प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं की या फिर आपकी प्रिपरेशन अभी तक कोई भी कारण से कंप्लीट नहीं हुई है। तो गाइज, मैं आप सभी को एक ही बात कहूँगा कि कल जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने, एक तो, और जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी की फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। फॉर्मूलाज की क्या इंपॉर्टेंस वो तो आपको समझ आ गई होगी वीडियो की स्टार्टिंग में ही। इसलिए सारे चैप्टर के फॉर्मूलाज प्रिपेयर कर लो और जिन चैप्टर जैसे ट्राइंगल्स हो गए, सर्कल हो गए, इन चैप्टर की आप थ्योरम लर्न कर लो। ज़्यादा बड़ी बड़ी थ्योरम नहीं है, हर एक क्वेश्चन में जैसे सर्कल से कोई क्वेश्चन आया तो उसके अंदर आप थ्योरम लिख कर आ जाओगे तो आपके थ्योरम के वन या हाफ मार्क्स मिल जाएगी। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन चैप्टर के आप स्टेप लर्न कर लो, स्टेप लिख कर आ जाना। मतलब जो छोटे छोटे आसान आसान चैप्टर उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई और भी कई सारे इजी चैप्टर, उन सारे इजी चैप्टर्स को कर लो। देखो गाइस, आपको पास होने के लिए मिनिमम 20 नंबर चाहिए, तो आप 20 नंबर इजीली अच्छी तरीके से अगर स्टडी नहीं करते तो भी अचीव कर सकते हो, बट आपको पूरा पेपर अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करना पड़ेगा और सारे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिख कर आना पड़ेगा। अब लिखने का मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कोई चैप्टर सर्कल का है तो उसमें थ्योरम लिख कर आ जाओ, सर्फेस एरिया का है तो उसमें फॉर्मूला लिख कर आ जाओ, कंस्ट्रक्शन का है तो उसमें कुछ बनाकर स्टेप लिख कर आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री का तो उसमें डायग्राम बनाकर आ जाओ, जो भी आपको उसके रिलेटेड है वो लिख कर आना पड़ेगा। गाइज, हर साल मेरे पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता मैथ के अंदर बट वो पास होते हैं हर साल। तो गाइज, पास होना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको स्टेप जो इजी चैप्टर है वो अच्छी तरीके से करने पड़ेंगे, जो चैप्टर छोटे हैं जिनके अंदर फॉर्मूलाज है, जिनके अंदर मेथड्स है, उनको अच्छी तरीके लर्न करना पड़ेगा, जिससे आप जिन क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा बहुत भी कुछ स्टेप करके आओगे तो आपको हर एक स्टेप के अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपको हर एक क्वेश्चन वन वन मार्क्स हाफ हाफ मार्क्स भी मिलते तो आप इजीली पास हो सकते हो। तो गाइज, मेरे को उम्मीद है कि आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आप में से अभी भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो उसके लिए मैंने स्क्रीन पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, उसमें से कॉल करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आप में बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को कहते हैं कि सर मैं आपका कॉल नहीं पिक करता, तो गाइज मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं एक साथ ही, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को डाउट है। तो गाइज, मैं ट्राई करता हूँ कि सभी स्टूडेंट का कॉल पिक करूँ, जिनकी मैं कॉल पिक नहीं करता उनको वापस कॉल बैक कर देता हूँ। अगर आपको जल्दी आंसर चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम के भी अकाउंट की लिंक दिए, उसमें मैसेज कर दो, वहाँ पर थोड़े कम स्टूडेंट कॉल करते मैसेज करते हैं, तो आप उस पर मेरे को मैसेज करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे दूंगा उधर। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना और सारे फ्रेंड्स से शेयर करना, जिससे उनको भी अपने आंसर मिल सके क्वेश्चन का और उनको भी
पता लग सके कि बोर्ड एग्जाम के अंदर फॉर्मूले के मार्क्स होते नहीं होते। तो दोस्तों मैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी को अपने नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।